दोस्तों असम में बहुत सारे लोग इस सोच में हैं कि कब उन्हें एनआरसी का रिजेक्शन नोटिस मिलेगा और कब वो एफटीज में अपना अपील दाखिल करेंगे। सोर्सेस और रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर में ही लोगों को नोटिस मिलना शुरू होगा। लेकिन क्या ये 19 लाख लोग विदेशी हैं? बिल्कुल नहीं। और इसमें से कितने लोग विदेशी रह जाएंगे ये हर कोई जानता है। रिसेंटली एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ असम श्री तरुण गोगोई ने एनआरसी को लेकर कुछ जरूरी बातें कही है जो कि इस प्रकार है। श्री तरुण गोगोई ने कहा कि जिन 19 लाख लोगों के नाम एनआरसी में नहीं है उनमें से अगर 10 लाख लोगों को भी विदेशी घोषित कर दिया गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। असम में हाल ही में प्रकाशित की गई एनआरसी की फाइनल लिस्ट की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में 19,06,657 लोगों का नाम नहीं है। जिन लोगों के राष्ट्रीयता के दावों से इनकार किया गया है वो अस्वीकृति की प्रमाणित प्रक्रिया प्राप्त करने के बाद अपना केस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हैं। गोगोई ने कहा कि कई वास्तविक भारतीय नागरिकों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया, ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई भारतीय लोगों के नाम अंतिम एनआरसी की लिस्ट में नहीं डाले गए। उन्होंने कहा 19 लाख में से अगर 10 लाख भी विदेशी साबित होते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल सिस्टम को लोगों पर बोझ बताया। उन्होंने कहा सरकार इस उद्देश्य के लिए एक अलग अपीलीय निकाय बना सकती थी, बजाय इसके कि गरीब लोग खुद को भारतीय साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़े। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है उनमें से अधिकांश गरीब परिवेश के हैं और उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के साधन नहीं है। दोस्तों लगता है कि श्री तरुण गोगोई ने लंबे समय तक राजनीति में रहने का सोच लिया है, क्योंकि जो सिचुएशन है उससे तो यही लग रहा है कि 10 लाख से भी कम लोग रह जाएंगे एनआरसी में आने से। और एक बात यह है कि एफटीज में गरीब लोग कैसे अपील करेंगे और उन्हें सरकार क्या मदद देगी? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से रिलेटेड क्वेरीज या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं।